कि आपकी आधी सफलता इसमें सन्निहित है कि प्रकाश जी पोहरे जैसे 16 वर्ष के जवान आपके साथ खड़े हैं। हम में से यहाँ जितने लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जावान अगर कोई है तो प्रकाश पोहरे जी हैं, और इसीलिए महासंघ ऑर्गेनिक मिशन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तीसरी बात कि ये मिशन इसलिए जरूरी है, आप फैब इंडिया का नाम सुने होंगे, आप लोग खादी ग्राम उद्योग तो सुनते हैं, फैब इंडिया का भी नाम सुना, उसको रिब्रांड करके फैब इंडिया कहा गया और उसमें ऑर्गेनिक के नाम पर अभी बहुत बड़ा ढोंग का बाजार चल रहा है, बड़े बड़े माफिया भी उसमें आ गए। लेकिन किसान के हाथ से जो उपज करके बड़े शहरों में जाएगा और उसके लिए जो ये भागीरथी प्रयास हो रहा है, इस प्रयास को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि आपका पसीना इसमें इन्वॉल्व है, वो दिख रहा है यहाँ। तो इस पसीने की कीमत पूरा देश आपको देगा। मैं अपने तरफ से आपको गारंटी करता हूं, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपके इस मिशन को न सिर्फ भारत में, मैं एक पत्रकार हूं, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी दुनिया में आपके इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन एक कर। और मैं तो कहूंगा प्रकाश पोहरे जी से कि महासंघ ऑर्गेनिक मिशन को न सिर्फ महाराष्ट्र का विषय बनाए, विदर्भ का विषय बनाए, वरन कि पूरे भारत का विषय बनाए तो बहुत अच्छा होगा, और खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार में आप ले जाएं, वहां के किसान बहुत परेशान हैं, उनसे कैसे जोड़ा जाए उसके तरफ भी आप अपना ध्यान दें। जैसा कि आप देखते हैं कि किसान जो है वो टेलीविजन स्क्रीन से गायब है। किसान का मतलब ये होता है कि गमछा है, फटा हुआ है, फटेहाली में है, नंगे बदन है, लाचार है। तो इस लाचारी को तोड़ना है, और दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्रॉड है, अगर आपको ये लग रहा हो कि हम सब आजाद हैं तो बिल्कुल आजाद नहीं। दुनिया की 2000 बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ सौदा कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, हमारा शोषण कर रही हैं। पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसको एक्सपोज कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी संस्था है जो